हम सियाराम गौशाला के तत्वावधान में समायोजित और मेरी श्रीराम कथा श्रृंखला की 1379 श्रीराम कथा की सभी संतजन रामदास जी जहाँ हूँ आ जाए कथा के लिए मेरा मन है। सभी संतजन मित्रजन माताओं बहनों मित्रों बालिकाओं और बालकों को मैं मंगलाशासन अर्पित करता हूँ। देखिए आज कथा के पहले मैं अपना परिचय बता दूं आपको कि ये मेरी 1379 कथा है। पर इतनी उच्छृंखल जनता मैंने कभी नहीं देखी। तालीम को इससे सुनिए, यहाँ के लोग बिल्कुल अनुशासनहीन हैं। मुझे बहुत दुख दिया यहाँ के लोग। आज तो मन कर रहा था मैं चिटफुट चल रहा हूँ यहाँ से, अच्छा नहीं लगा मुझे। मैं पढ़ने पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, इसमें कोई समझौता नहीं। कथा मैंने दी है जिसका अर्थ नहीं कि मैंने अपने स्वयं को बेच दिया। और मैं जगत गुरु हूँ, सबको मेरा अनुशासन मानना पड़ेगा, मैं किसी का अनुशासन नहीं मानता। इतना उच्छृंखल यहाँ के लोग हैं, मुझको तक धक्का दे देते हैं ये। इतने मुझे याद आती है राम सूरदास जी की कहा इतना शिष्ट व्यक्ति, अरे कहा इतने अशिष्ट लोग, मर्यादा भी नहीं जानते किसी की। बहुत बल्कि आज मैं अपने उत्तराधिकारी कह रहा था कि मैं बहुत नाराज हूं, तो कह रहे थे कि मेरे प्रति नहीं, मैं अपने लिए नाराज हूं, स्वयं के प्रति मुझे बहुत आज नाराजगी है, बहुत क्रोध है। ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरी मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। इतना जान लीजिए प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ेगा मेरी मर्यादा का पालन। इतना तक आते हैं जो तुम धक्का देंगे त्रदंड तक का संकोच नहीं करते, इतनी बात हुई। और कोई रोकता है तो बोलते उसको मारपीट करने लगते हैं, कोई मर्यादा हुई आपकी? छोटी काशी में इतने दुष्ट लोग कहां से जन्म लेंगे? गलत बात। अब कथा सुनाने जा रहा हूं, मस्ती में सुनाऊंगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, पर मेरे मन का जो क्षोभ है मैंने बता दिया। इन तो संत परंपरा का गुण है और मैं व्यक्ति पूजा नहीं करता, यही बता। व्यक्ति पूजा करना होता तो अपना घर द्वार क्यों छोड़ते हम? घर द्वार छोड़ा, सर्विस छोड़ी, मुझको तो हेड बनाया जा रहा था, सर्विस छोड़ती हूँ तो भगवान के लिए छोड़ा मित्र, तुम्हारी पूजा के लिए नहीं छोड़ा। ये तुमको अपने पैसे पर स्वाभिमान है तो मुझको अपने भगवान पर स्वाभिमान है। जान मैं नहीं स्वीकार सकता किसी, इसे मेरे लिए बहुत सोचना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं ना कि इतना कटु अनुभव अब तक मैंने कभी नहीं देखा जितना यहां देख रहा हूं। मुझे तो रुलाई आगे करे राम सूरदास जी महाराज इतने अच्छे थे। याद आती तो मन भर जाता है, कितना विनम्र व्यक्तित्व था उनका। राम राम
कृपा। एक बात राम सुखदास जी से